बल्लभगढ़ में 35 करोड़ रुपए की लागत से होंगे बिजली के काम। विधायक मूलचंद शर्मा ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिजली के कार्यों पर वर्ष 2014 से अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और अब बिजली विभाग को जल्द ही हाईटेक बनाया जाएगा, जिसके लिए विभाग को खुली जीप और 164 मोटरसाइकिल मिलेंगी, ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो सके। भाजपा विधायक मूलचंद शर्मा ने आज राजा नारसिंह महल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। विधायक ने इस मौके पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ विकास किए हैं, वहीं पिछली सरकारों में जनता के काम पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विधायक ने कहा कि करीब 25 साल पुरानी तारों को अब शहर में नहीं रहने दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की सरकार में लगे हुए बिजली के तारों को अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बदलवाने का काम शुरू कर दिया है। आए दिन होने वाले हादसे और बिजली के अनचाहे कटों से लोगों को मुक्ति दिलाने का काम करने वाली भाजपा सरकार जन जन तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है। शहरों में कवर चढ़े बिजली के तार लगाए जाएंगे, जिससे बिजली चोरी कम होगी, वहीं हादसों में कमी आएगी और लोगों को पूरी मात्रा में बिजली मिल पाएगी। आज हमारे सभी बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं, दोनों एक्शन हैं, भाई प्रदीप एक्शन जी ढोल साहब हैं, भाई हमारे बल्लड़ के कक्कड़ साहब और सभी पार्षद। तो आज बिजली की समस्या थे जो शहर ये जो कॉलोनियों का जो शहर है विधानसभा अनप्लान्ड इलाका है, वो सेक्टर तो है नहीं कि कॉलोनी, उसी कॉलोनी से खम्भे निकालने हैं, वहीं से सड़क है, वहीं से बिजली है, वहीं से पानी है, और कहीं 14 फुट है रास्ता, कहीं 30 है, कहीं 25 है, कहीं 12 है। और बिजली बोर्ड 35 करोड़ की लागत से जितने विधानसभा के सभी गांव के 3 गांव हैं या कॉलोनी है या शहर है, और सभी की शुरुआत के अगले महीने करने जा रहे हैं, और यहाँ के सभी आप पत्रकार साथियों को और सभी पार्षदों को या बल्लभ की जनता को इस बात को बता रहे हैं कि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये 35 करोड़ के काम की शुरुआत हो रही है, और 2014 से आज तक 70 करोड़ का काम बिजली बोर्ड बल्लभ विधानसभा में करा चुका है। अगर ये काम ना होता तो भट्टा जैसे कांग्रेस के राज में भट्टा बैठा था कि 8 घंटे कट 2 घंटा बिजली आया करती थी। बिजली में मानता हूँ कि बिजली का कट लगता है, पर ये मानते हैं कि बिजली के जनरेटर जो अपने जो रहते थे छोटे छोटे जनरेटर उनते मुक्ति मिली है, पर ये है कि जो कट लगते हैं घंटे का इस सबसे मुक्ति आम लोग पाए। इस मौके पर बिजली विभाग के SC प्रदीप चौहान ने बताया कि बिजली विभाग का हाईटेक होने जा रहा है। आने वाले 3 महीनों में विभाग के पास 18 नई जीप और 164 मोटरसाइकिलें आ जाएंगी। सुविधा होने के बाद कर्मचारी तुरंत लोगों की समस्या का समाधान कर पाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे टूल फ्री नंबर पर बिजली की शिकायत करें। देखिए, इसमें सुविधाओं के नाम पे हम अब हर सब रीजन में एक एक कॉमन बैग वाली जीप कंप्लेंट अटेंड करने के लिए, और हर कंप्लेंट सेंटर के ऊपर शहर में एक सेंटर के ऊपर 2 मोटरसाइकिल, गांव में एक कंप्लेंट सेंटर के ऊपर एक एक मोटरसाइकिल हम देने जा रहे हैं, ताकि कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स हैं जल्द से जल्द वो अपना अटेंड हो सकें और बिजली सुचारू रूप से अपना चलाने में आसानी रहे। कब से मिल जाएंगी? इसके लिए हमने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले लगभग 3 महीने के अंदर हम ये हायरिंग बेसिस के ऊपर ये व्हीकल्स ले लेंगे।